हमारे दो मेहमान हमारे साथ हैं, रामवीर सिंह भिडूरी हैं जो एलओपी हैं और बीजेपी के विधायक भी हैं, हुदा जरीवाला हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रामवीर सिंह जी, पहले आपके पास आते हैं। जब विधायक जी इतने दिन से घूम रहे थे शिकायत लेकर, हर कोई दरवाजा उन्होंने हर दरवाजा खटखटाया, कोई एक्शन हुआ क्यों नहीं? देखिए, दिल्ली विधानसभा में आज आम आदमी पार्टी के विधायक श्री महेंद्र गोयल ने पहली बार ये मामला उठाया है। जी इसकी शिकायत ये सीबीआई को कर सकते थे, दिल्ली पुलिस के विजिलेंस डिपार्टमेंट को कर सकते थे, उनको रंगे हाथ पकड़वा सकते थे। हमने कल भी दिल्ली विधानसभा के स्पीकर से आग्रह किया कि दिल्ली में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जल बोर्ड में 58,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, डीटीसी में 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, और इसी तरह से जो दिल्ली में स्कूल्स के लिए जो कच्चे रूम्स बनाए हैं, सीबीसी की रिपोर्ट आ गई जी है, उसमें भी सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ है। नई शराब नीति जो लाई, रामवीर सिंह लगभग जी, देखिए वो तो है, लेकिन आज हम इस मुद्दे की बात कर रहे हैं। सुनिए ना, मेरा एक सवाल था आपसे। जी, मेरा सवाल ये था कि वो कह रहे थे कि मैं मुद्दे पे जी मुद्दे पे आइए। जी जी आप मेरी आप बात सुन लीजिए। जी आज मैं रामवीर सिंह के विधूड़ी के आरोप साथ। लगाए हैं, जी उनकी पार्टी के भूतपूर्व विधायक खड़े हो गए। उनकी पार्टी के भूतपूर्व विधायक गौतम जी ने मंत्रियों के ऊपर दिल्ली सरकार के अलग अलग विभागों के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। मैंने दिल्ली के ऑनरेबल एलजी से मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। ये जो मामला श्री महेंद्र गोयल ने उठाया है, जी अभी बहुत कुछ सामने आएगा। मैं आज आपके चैनल पर इसका खुलासा नहीं करना चाहता हूं। जी ये भ्रष्टाचार का गंभीर मामला है, और मैं ये कह सकता हूं रामवीर सिंह जी, आपसे थोड़ा सा कनेक्शन टूट रहा है। आपने अपनी बात रखी है कि आप चाहते हैं कि एलजी से भी कहा है कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए, हुदा जरीवाला भी हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि विधायक जी कह रहे हैं कि हम 1 साल से पैसे लेकर घूम रहे हैं। थोड़ा यकीन करना मुश्किल है कि जो पार्टी स्टिंग ऑपरेशन और उस तरह के लिए कहा कहती रही है, जब उन्हें यह 3 लाख दिया गया होगा, तब वो रिकॉर्ड क्यों नहीं कर पाए? यह भी उनको बताना चाहिए था। जी शारिक जी, सबसे पहले तो मैं इस बात पे आप लोगों का ध्यान लाना चाहती हूं कि अगर ये मामला 1 साल तक भी उनके पास था, तो उन्होंने एलजी को इस बात पे फॉलोअप किया था, उन्होंने पुलिस की मदद इस बात में मांगी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि पुलिस बीजेपी के अंदर है, आम आदमी पार्टी की किसी कंप्लेन को या किसी चीज को जाहिर सी बात है जितनी सीरियसली लेना चाहिए नहीं लेती, तो ये मामला 1 साल तक खिंच गया। लेकिन जो बीजेपी के विधायक जी हैं, मैं उनसे एक बात बस इतना कहना चाहूंगी कि वो इधर उधर की बात ना करें, वो बताएं कि काफला क्यों लुटा, नहीं नहीं मुद्दे की नहीं बात करें कि नहीं ये हुदा बात जी, सुनिए भ्रष्टाचार का ना, है, ये सुनिए, मामला। जी मेरा सवाल यही था कि जो विधायक जी आज पैसे लहरा रहे थे, 1 साल क्यों जी इंतजार किया? और अगर उन्होंने डीसीपी से लेके चीफ सेक्रेटरी से लेके एलजी तक को इसके बारे में हिदायत दी थी, तो आज से पहले जी वो पहले भी ये कैमरे पे ये पैसा लेकर आते तो शायद दबाव ज्यादा बन गया होता। तो लगता है कि कहीं क्योंकि कुछ ऐसा मामला है जो छुप रहा है या छुपाया जा रहा है।
बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एलजी साहब तक और तमाम जितने जो अथॉरिटीज हैं, जो रेलेवेंट अथॉरिटीज हैं, उन तक ये मामला पहुंचा हुआ था, और क्योंकि वहां से एक्शन नहीं हुआ तो फाइनली विधानसभा में इस मामले को विधायक जी को लाना पड़ा, पब्लिक की जानकारी में ये मामले को लाना पड़ा, और आप हमारे जो मीडिया वाले साथी हैं उनके माध्यम से पब्लिक को ये बात पता चल जाए कि विधानसभा में एक मामला जो आम जी आदमी पार्टी ही सिर्फ क्योंकि भ्रष्टाचार और करप्शन के मामले बिल्कुल उठाती है, और ये मामला जाहिर सी बात है बहुत गंभीर है, कोई मामूली अमाउंट नहीं है, और ये इस तरह का कोई पहला मामला नहीं है, बिल्कुल इस तरह की जो इस पे भर्तियां हम हैं रिएक्शन ले वो लेते एक हैं। होता जी, इस पे हम रिएक्शन। रामवीर सिंह जी, मेरा सवाल यही था कि वो कह रहे हैं डीसीपी, चीफ सेक्रेटरी और एलजी, एलजी अगर हम साहब देखें जी तो इस पे दिल्ली में आप पुलिस आपके अंदर आती है, चीफ सेक्रेटरी पे आरोप ये लगता है कि एलजी साहब कहते हैं और चीफ सेक्रेटरी आदेश पारित कर देते हैं, एलजी और दिल्ली सरकार का टकराव जग जाहिर है, तो अब तक इस पे कुछ क्यों नहीं हुआ? अब आप मांग कर रहे हैं, वो आपने बता दिया, अब तक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि साल भर से तो घूम रहे थे वो झोला लेके। देखिए, ये मुद्दा आज महेंद्र गोयल ने विधानसभा के अंदर उठाया है। एक साल के अंदर 4 बार विधानसभा बुलाई गई है। मैं महेंद्र गोयल से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने पिछले एक साल में जब 4 बार विधानसभा बुलाई गई है, यह मुद्दा विधानसभा के अंदर क्यों नहीं उठाया? वे बताएं, क्या उन्होंने इसकी जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री जो उनकी पार्टी के नेता हैं, क्या उनको जानकारी दी? यदि उनको जानकारी नहीं दी, आज वो मुझे कह रहे थे कि मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है, क्या महेंद्र गोयल ने लीडर ऑफ अपोजिशन को कभी रामवीर जी, संपर्क एलजी के किया? पास मामला है, रुकिए, उनको खत्म एलजी से करने लेके दीजिए, उनको तमाम खत्म करने दीजिए। होदा रेलेवेंट जी, उनको अथॉरिटी खत्म करने जी दीजिए ना, आपके पास भी आएंगे, उनको खत्म बहुत, करिए जी। ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें आम आदमी पार्टी के कई विधायक और आम आदमी पार्टी के विधायक इसमें लिप्त हैं। इसकी जांच दिल्ली के एलजी सीबीआई से करवाएं, सच्चाई दिल्ली और देश के सामने आ जाएगी। मैं आज ये बहुत जिम्मेवारी के साथ ये जी बात कह रहा हूं। हुदा जरीवाला जी, आपसे मेरा यही सवाल था कि ये मासूमियत कुछ गले नहीं उतरती, जैसा वधूड़ी साहब कह रहे हैं कि 4 बार सत्र बुलाया गया, एक साल कोई थोड़े ही इंतजार करता है जब उसके पास ये सबूत हो कि हाँ भाई 3 लाख हमारे पास हैं। मुद्दे की बात ये नहीं है कि एक साल तक इंतजार किया गया, मुद्दे की बात ये है कि ये मैटर ऑलरेडी एलजी साहब के पास, पुलिस के पास और रेलेवेंट अथॉरिटीज के पास ये मामला था। क्योंकि एक साल तक इस पर एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि जब इतना फॉलोअप करने के बावजूद इस करप्शन के, भ्रष्टाचार के मामले को सामने नहीं लाया गया, तो कहीं जाके विधानसभा में ये मामला उठाना पड़ा। अब बीजेपी को ये चाहिए, सेंटर को ये चाहिए कि वो इस मामले की तह तक जाए, तमाम तरीके से जो तहकीकात है वो करे, और सच का सच सामने आ जाएगा, मामला सामने आ जाएगा। जी तो अगर एक साल तक इस बात पे रुका भी गया, तो एक साल तक सिर्फ विधानसभा में इस मैटर को हाईलाइट करने के लिए वो एक साल का वक्फा लगा है, लेकिन ये मैटर एलजी के पास बहुत पहले से है। इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्यों, जहां सीबीआई, जी ईडी और तमाम तरीके के जितने इंस्टीट्यूशन है वो तो उदा सेंटर के जी अंडर है, दिल्ली जी, की पुलिस सेंटर के अंदर है, तो लेकिन जांच क्यों नहीं की गई अब तक? एक सवाल आपसे और था कि आप दूसरे को स्टिंग सिखाते रहे हैं, और मेरा सवाल यह है कि उनका कहना था कि हमने जो ये रिश्वत लेना स्वीकार किया, हम इस नेक्सस को का खुलासा करना चाहते थे, हाईलाइट करना हाँ चाहते हैं हाईलाइट जी करना चाहते थे। जी मेरा सवाल यही जी है कि विधायक जी जब पैसा ले रहे थे या उन्हें कोई पैसा दे रहा था घूस का, वहां पे वो क्यों चूक गए उसको रिकॉर्ड करने से? वो तो सबसे पहले करना चाहिए था। अगर आप किसी को ट्रैप कर रहे हैं उसको एक्सपोज करने के लिए, तो पहले कदम पे कैसे कच्चा खा गए? शारिक जी, ये कोई आपके दिमाग में सेट नहीं होता है कि कोई आपके पास पैसे लाएगा और आपके पास बकायदा से कैमरा या रिकॉर्डिंग मटेरियल रेडी है कि आप उसका बकायदा से एक्सटिंग बना ले और फिर रिलीज कर दे किसी पॉइंट पे जाके। एज एंड हाउ ये मामला उठा, एज एंड वेन ये मामला उठा, जी ये वहीं के वहीं इंटू कॉग्निसेंस लिया गया, एलजी साहब और ठीक है तमाम जितने रेलिवेंट ठीक है अथॉरिटीज ठीक है है ठीक है, उनको लेकिन लाइम इसका लाइट में होदा लाया जी, इसका गया। जवाब मैं दे देता हूं आपको कि कोई ऐसा थोड़ी हुआ होगा कि दरवाजा नॉक किया और बोला कि ये पैसे ले लो। जब वो उसको ट्रैप कर रहे यकीनन थे तो उनके पास वक्त रहा जी, होगा एक स्टिंग करने के लिए। रामवीर सिंह जी, मेरा आपसे बेशक आखिरी सवाल यही है, आरोप गंभीर है तो दूध का दूध पानी का पानी तो होना चाहिए। अगर वो सच कह रहे हैं तो ये एक बड़ा बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का।
भाई साहब, इसमें सच्चाई नहीं है। जो कुछ उन्होंने विधानसभा के अंदर कहा है, मैं बहुत ही जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, जी इसीलिए मैंने कहा है कि इसकी जांच सीबीआई के द्वारा की जाएगी, और जब उसकी रिपोर्ट आएगी, सच्चाई देश के सामने आ जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले 1 साल से जी ये 3 लाख रुपया लेकर बैठे हुए हैं, और उसकी जानकारी ये ना अपने नेता अरविंद केजरीवाल को दे रहे हैं, जी और जैसे कहा कि 1 साल के अंदर 4 बार हाउस बुलाया गया है, क्यों नहीं यदि बता, आप बिल्कुल जानकारी दे रहे हैं, तो इससे पहले जानकारी क्यों नहीं दी गई? दाल में कुछ काला है। बस तो सर, आप मैं अभी जी जानकारी कर लीजिए, अभी मैटर आपके सामने नहीं है, अब अहूदा आप जी इस पे जांच कर लीजिए। सुनिए, एक एक छोटा सा सवाल आपसे, छोटा सा जवाब चाहेंगे कि ये जो ये बता कह रहे हैं, सकता आज जब वो विधानसभा में वो नोटों की गद्दी लहरा रहे थे, तो आम आदमी पार्टी की सरकार जो पहले है हो उसकी जानी तरफ से कोई चाहिए। बहुत आधिकारिक या बहुत उत्साह के साथ इसे रिसीव नहीं किया गया, कोई बयान आया नहीं, इसके पीछे की वजह? अभी अभी जी ये मामला विधानसभा में उठा है, मजीद इस पे हम एलजी साहब का और बाकी जो जी अथॉरिटीज हैं उनकी तरफ से क्या आप एक्शन लिया जाएगा, प्लीज पहले इस पे उसका इंतजार कर लेते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।